We are starting letter application and writing skills. So continue. आपको हमने बताया था टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में जानकारी दी थी कि फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर के आपके एग्जांपल बताए थे और आपको लेटर लिखने का तरीका सिखाया था. आज हम चर्चा करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में. ये होते हैं अनौपचारिक. ठीक, जैसे ही ये लिखे जाते हैं माता पिता को, मित्र को बधाई पत्र और रिश्तेदार. और कोई भी निजी या पर्सनल. ओके, ये सारे दैट इज इनफॉर्मल लेटर्स. आज आपको इसकी लेखन शैली के बारे में चर्चा करनी. Informal letters to whom someone you know personally, like family member, परिवार के लिए और friends or relatives, to express your feelings and thoughts. ये पत्र में आप अपने अनुभव, अपनी जानकारी, निजी जानकारी या व्यक्तिगत होती है, ये सारे इस letter के अंदर लिख के आप जिसको भी देना है आप उसको send कर सकते. Informal letters. Letter addressed to a family member or a friend about congratulations, yani badhai patra, appreciations, yani aur utsah badhana, personal problems share karna, jo samasya hai, invitations, nimantran patra, offering condolence and sympathy get well, yani koi matlab mrityu prant jo bhi patra dena hai, jiski jankari dena hai, wo isme include. आइए इसको शुरू करते हैं. पहला पत्र जो है अनौपचारिक पत्र बर्थडे पार्टी का को समझाएंगे. इसका मतलब होता है जन्मदिन की पार्टी के लिए इनविटेशन देना है. सर्वप्रथम बाएं से शुरू करते हैं. एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और फिर यहां पहले के पत्र में रिस्पेक्टेड लिखते थे, लेकिन अब ये निजी पत्र है तो इसको लिखेंगे डियर, यानी प्रिय अनुराग. आई होप टू यू आर फाइन, मुझे आशा है कि तुम अच्छे होगे. आई इन्फॉर्म यू दैट माय बर्थडे इज फॉलिंग नेक्स्ट मंथ. मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो मेरा जन्मदिन है वो अगले महीने की 16 अप्रैल को है. यू आर Cordially invited to attend my birthday party. आप लोग सादर घर के साथ आमंत्रित हैं. I am sure you will turn up on this occasion. मुझे आशा है और विश्वास है कि आप मेरे पार्टी में जरूर आएंगे. Yours sincerely. तुम्हारा बहुत ही प्रिय जो मित्र है कैलाश. ठीक है, तो ये हो गया प्रारूप. आपको जो जो पैराग्राफ है आपको यहीं से शुरू करना है. जैसे एड्रेस खत्म होता है डियर से और फिर इसके नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है. डॉट का ध्यान रखें कि कॉमा जो है वो नाम के बाद लगाना है और लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है. ठीक है, इनविटेशन लेटर टू अटेंड मैरिज सेरेमनी. शादी समारोह में शामिल होने हेतु पहले
क्वेश्चन फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आप अपने मित्र को पत्र लिखना है, आपने जो परीक्षा पास की है उसकी सफलता प्राप्त की है उसके लिए, ठीक। तो इसी प्रकार प्रारूप आपको मैंने समझा दिया है कि एड्रेस इधर आएगा, एड्रेस आएगा यहाँ, ठीक। फिर यहाँ डियर दिनेश, फिर इस प्रकार से ये है, आपको आप पढ़ लीजिएगा इसको, पढ़ के आप इसको लिखिएगा। होमवर्क राइट अ लेटर टू योर अंकल टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज एंड हॉस्टल लाइफ। आपको अपने अंकल को एक पत्र लिखना है जो आपकी पढ़ाई और आपकी हॉस्टल लाइफ से संबंधित है। सेकेंड राइट अ लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिता को पत्र लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर रेसेस 5,000 rupees फॉर बुक्स एंड क्लोथ्स के लिए, कि आपको 5,000 की जरूरत है और बुक और कपड़ों के लिए वो भेजना है। ये दो पत्र आपके होमवर्क में है, आप उसको लिखिए, अच्छे से लर्न करिए, स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।